फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में आयोजित सोशल मीडिया वॉलेंटियर सम्मेलन में पहुंचे भोजपुरी अभिनेता सांसद रवि किशन। सांसद रवि किशन ने किया दावा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। सांसद रवि किशन ने गठबंधन को लिया आड़े हाथ, किया पलटवार, कहा भ्रष्टाचारियों की इस बार जमानत होगी जब्त, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए कहा, आम लोगों के घर क्यों नहीं जाती जांच एजेंसियां, भ्रष्टाचार करोगे तो जांच एजेंसियां करेंगी जांच। सांसद रवि किशन ने कहा, तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की अर्थव्यवस्था नंबर 3 पर होगी। सांसद रवि किशन ने सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को किया संबोधित। फतेहपुर सीकरी लोकसभा प्रत्याशी सांसद राजकुमार चार के समर्थन में सोशल मीडिया को मजबूत करने के दिए टिप्स, देखिए एक रिपोर्ट। क्यों समझोगे पटन के भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी को छाती पे लगा के क्यों हो रहा है? क्या देख लिया आपने इन 10 सालों में? क्या आप लोग जान देने तैयार है मोदी जी के लिए, जान देने तैयार है भारत माता के लिए? ऐसा क्या परिवर्तन आया कि नया पहली टाइम का वोटर इंतजार कर रहा है कि 7 तारीख को मेरे भाई का वोटिंग हो, राजकुमार चहर जी का भटनिया इसे दबाएगा कि मार्केट मेरा भारत विश्व गुरु बने। और जितने विरोधी हैं सनातनी, मेरे मोदी के विरोध में 26 लोग आ रहे हैं, झंड जमाना थे 26 पार्टियों का उनका इतिहास देख लीजिए। भ्रष्टाचार, करीब परिवारवाद, जेल काटे हैं, सजा है, केस चल रहा है, ईडी है, जांच है, वो 26 लोग और एक कहते हैं, और उस राग से बने इस निस्वार्थ संत को नरेंद्र मोदी कहते हैं। देखिए जनता बोल रही है, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, जनता ने ये नारा दिया है, क्योंकि सभी 81 करोड़ लाभार्थी जो अनाज पा रहे हैं, मकान पाए, महिलाओं ने, बेटियों ने, बच्चों ने, हिंदू ने, मुसलमान की महिलाओं ने, यादव समाज ने, ऐसा ऐसा समाज जो वोट नहीं देता था, उनके युवा वर्ग, पहली बार के वोटर, ये इतनी बड़ी सुनामी आ रही है। मैं आपको बताऊं, ये कोई ये नहीं कि हम सांसद प्रत्याशी हैं, मेरा भाई राजकुमार चहर जी सांसद प्रत्याशी हैं तो इनके लिए हम आके बोल रहे हैं, ये मैं पूरे देश की बात, चूँकि मैं पूरे देश में प्रचार में निकला हूँ, हर जगह यही आवाज़ आ रही है, जनता मोदी जी को ही देखना चाहती है, दूसरा कोई प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है और किसी गांव के प्रधान जी का नहीं है, सबको पता है। तो आप उस विधायकी वाले चुनाव में खेल कर सकते हो, जात पात का जहर डाल सकते हो, इसमें जनता नहीं माफ करेगी मोदी जी। पहले भी गठबंधन हुआ था, इस बार भी हो रहा है, किस तरह का मुकाबला है गठबंधन से? कोई मुकाबला नहीं। अरे भाई, मैंने क्या कहा, प्रधानमंत्री जी का आज सोशल मीडिया का मीट था नौजवानों का, हजारों नौजवान यहाँ आया। रवि किशन जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं, गोरखपुर के सांसद हैं, फिल्म स्टार हैं, और नरेंद्र कश्यप जी हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, ओबीसी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। तो आज एक नए उत्साह का जागरण लगातार निरंतर निरंतर कार्यकर्ताओं में बढ़ रहा है, और आप देख रहे हैं कि एक संकल्प जैसा, बड़ी जीत का संकल्प, कहते हैं कि जीत बड़ी से बड़ी हो, और ये संकल्प बढ़ता जा रहा है।
और मैं यही कह सकता हूं कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश की जनता ने संकल्प कर लिया है और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता का भी संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको सार्थक करते हुए मैं यही कहूंगा कि मोदी जी के प्रति जो प्रेम है वो बड़ी जीत में फतेहपुर सीकरी से जाएगा। रवि जी के आने के बाद जनता का कितना प्यार आपको और मिलेगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जनता का प्यार मेरे साथ है वो एक अलग बात है, लेकिन जनता का प्यार मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के साथ है। मैं तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, सामान्य सा एक किसान का बेटा हूँ। बात ये नहीं है कौन दल चुनाव लड़ रहे हैं, उन दलों का नेता कौन है और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, असली बात इसके लिए है। तो मोदी जी को देश की जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, मेरी क्षेत्र की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है, आतुर है, उत्साहित है। 7 मई को जबरदस्त मतदान होगा और मैं फिर कहूँगा कि पिछली बार से भी बड़ी जीत मोदी जी की मेरे क्षेत्र से हो।